नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दिनचर्या के आगे के पॉइंट्स पे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, सुबह जल्दी उठना, मल त्याग करना, दातुन करना, जिह्वा निलेखनी करना, अब इसके आगे आता है नस्य। नस्य का अर्थ होता है नासिका से औषधियाँ देना। आचार्य वाग्भट ने कहा है, नासा ही शिरसो द्वारम, अर्थात नासिका ही शिर का द्वार होता है और इस मार्ग से दी हुई औषधियाँ शिर में प्रवेश करके ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में लाभदायक होती हैं। नस्य का प्रयोग तब किया जाता है जब आकाश स्वच्छ हो और मेघ से यानी बादल से आच्छादित ना हो। नस्य अनेक प्रकार के होते हैं और इनकी औषधियाँ भी अनेक प्रकार की होती हैं। किस रोग में किस प्रकार का नस्य का प्रयोग करना है, इसका निर्णय चिकित्सक ही करें। सामान्यतः अणु तेल के नस्य का प्रयोग किया जा सकता है। नस्य के अनेक लाभ होते हैं। नेत्र, घ्राण इंद्रिय आदि को बल मिलता है, केश कभी सफ़ेद नहीं होते, बाल नहीं झड़ते, हमारी जितनी भी सेंस ऑर्गन्स हैं, इंद्रियां हैं, वो स्वच्छ होती हैं, स्वर यानी कि हमारी आवाज़ दृढ़ गंभीर होती है, माइग्रेन, सर में दर्द रहना, यह नस्य सिर में दर्द, माइग्रेन, लंबे समय से चले आ रहे जुखाम आदि में लाभदायक होता है। इसके बाद आता है गंडूष तथा कवल, जिसको हम सामान्यतः ऑयल पुलिंग के नाम से भी जानते हैं। गंडूष का अर्थ होता है मुंह में किसी भी द्रव को इतना भरना कि मुंह को चलाया ना जा सके, यानी असंचारी हो। जैसे इसमें हम द्रव इतना भर रहे हैं कि उसको चला नहीं पा रहे हैं। इसी का दूसरा रूप होता है संचारी, यानी कि जिसमें द्रव को मुंह में भर के चलाया जा सके, जैसे कि हम कुल्ला करते हैं, इसको बोलते हैं कवल। यह वस्तुतः आयुर्वेद से उपजा है, किंतु आज इसकी ख्याति और प्रसिद्धता जगत में है। सामान्यतः तिल के तेल का धारण किया जा सकता है। इसके अपने अनेक फायदे हैं, जैसे जिह्वा शुद्ध होती है, मुख शुद्ध होता है, खाने में रुचि उत्पन्न होती है, स्वर इंद्रिय दृढ़ होती है, दांत मजबूत होते हैं, मसूड़ों को बल मिलता है, मुख और गला कभी नहीं सूखता और होंठ नहीं फटते। इसके बाद आता है अभ्यंग। अभ्यंग का सामान्यतः अर्थ है शरीर पर तेल लगाना, जो कि पहले के जमाने में किया जाता था, पर आजकल समय ना मिल पाने के कारण हम जल्दबाजी में रहते हैं और इसी कारण हम मसाज करना ही भूल गए। आचार्य चरक कहते हैं कि जिस प्रकार तेल या घी लगाने से घड़ा, तेल लगाने से चमड़ा या गाड़ी के अक्ष, गाड़ी के पहिए की जो धुरी होती है वो मजबूत होती है, उसी प्रकार तेल लगाने से शरीर भी मजबूत होता है, मांसपेशियां दृढ़ होती हैं, धातुओं को पुष्टि मिलती है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, त्वचा मजबूत होती है, सुंदर बनती है, दृढ़ बनती है। आचार्यों ने कहा है कि जो त्वचा है उसमें वात का स्थान होता है और वात को शांत करने के लिए सबसे उत्तम होता है तेल लगाना। ना सिर्फ शरीर पे तेल लगाना बल्कि पैरों के नीचे यानी कि तलवों पे और सिर पर भी तेल लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि शरीर पर तेल लगाना। पैरों पे तेल लगाने से दृष्टि को बल मिलता है और नित्य सर पर तेल लगाने से सर दर्द, बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, माइग्रेन, नींद ना आना आदि समस्याओं में लाभ मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम। आचार्यों ने कहा है कि ऐसा कोई भी कर्म या काम या क्रिया जिससे शरीर में आयास यानी कि थकावट उत्पन्न हो, उसको व्यायाम कहते हैं। व्यायाम का अर्थ जान लेना ही काफ़ी नहीं है, यह भी जानना आवश्यक है व्यायाम कितना करना चाहिए। तो इसके लिए आचार्यों ने कहा है कि हमारे शरीर के बल से आधे बल तक व्यायाम करना चाहिए। हर मनुष्य को पता होता है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हमारे शरीर में कितना बल है, उस बल को जानते हुए उसके आधे बल तक ही व्यायाम करना चाहिए। उसके कई सारे आपको सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे माथे पर पसीना आ जाना, आपकी सांसें तेज होने लगना, हार्ट बीट तेज हो जाना आदि।
व्यायाम करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। यह शरीर में लघुता लाता है, यानी हल्कापन लाता है, मांसपेशियों को दृढ़ करता है, शरीर की थकावट को दूर करता है, शरीर को सुंदर और सुडौल और मजबूत बनाता है, हमारी पाचक अग्नि को बढ़ाता है जिससे कि खाने का पाचन उत्तम प्रकार से होता है, मोटापा कम करता है, शरीर में जमा अनावश्यक फैट कम करता है और लाइफस्टाइल से रिलेटेड अनेक बीमारियों को कम करता है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा आदि। इसके पश्चात आता है स्नान। सभी को पता है कि स्नान करना चाहिए, लेकिन इसमें आवश्यक यह जानना है कि गुनगुने जल का स्नान कटी यानी कमर से नीचे करना चाहिए, उसके ऊपर स्पेशली सिर पे गुनगुने पानी या गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बालों और नेत्रों के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए, इससे शरीर की शोभा बढ़ती है, शरीर में स्वच्छता बनी रहती है, हाइजीन बनी रहती है, शरीर में से मल को दूर करता है, स्वेद यानी पसीने को दूर करता है, थकावट को दूर करता है और इस तरह से यह आयु के लिए अत्यंत लाभदायक है। अब बारी आती है भोजन की। सभी को भोजन बहुत पसंद है, स्पेशली आजकल इस लॉकडाउन में तो किसको भोजन नहीं पसंद है। लेकिन जब भी खाना खाने बैठे उससे पहले 2 मिनट खाने को दीजिए, आंखें बंद करके और हाथ जोड़ के उस खाने को नमन करिए जो आपके शरीर के अंदर जाके आपको ऊर्जा देगा, आपका पाचन तंत्र इम्प्रूव करेगा और जिससे कि आप अपनी आयु को भी लंबा बना सकते हैं। तत्पश्चात एक साफ सुथरी जगह पर बैठ के खाना खाना चाहिए। भोजन हमारा हमेशा फ्रेश होना चाहिए, ईजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए, जो सुपाच्य हो, लघु हो यानी हल्का हो। ना तो बहुत जल्दी खाना चाहिए, ना ही बहुत धीरे खाना चाहिए, लेकिन जितना हो सके उतना खाने को च्यू करना, चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे रसों की उत्पत्ति होती है जो भोजन के पाचन में लाभदायक होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसके बाद हम फिर आएंगे दूसरे एपिसोड आयुर्वेदा के ऊपर। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। नमस्ते।